हेलो गाइस, मैं आ चुकी हूँ अपने ब्लॉग दीपमाला ब्लॉग एंड रेसिपी में। आपका स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ चना दाल तड़का। चना दाल की सामग्री: एक बड़ी कटोरी चना दाल, एक कटा हुआ बड़ा टमाटर, दो तेजपत्ते के पत्ते, चार पांच कटी हुई काली मिर्च, दो लौंगे, दालचीनी, एक बड़ी चम्मच जीरा, एक चम्मच पिसी हुई मिर्च हींग, एक चम्मच पिसी हुई हल्दी, दो बड़ी प्याज कटी हुई, हरा धनिया। गैस ऑन हो चुकी है, हमारा कुकर भी गर्म हो चुका है। इसमें डालेंगे एक बड़ा चम्मच तेल। गर्म हो चुका है, इसमें डालेंगे तेजपत्ते के पत्ते, दालचीनी, लौंग, एक सूखी मिर्च, प्याज को सुनहरा होने तक खूब अच्छे से फ्राई कर लेंगे। डाल देंगे हल्दी, थोड़ा सा पानी, कुछ हुई मिर्च, हींग, कटे हुए टमाटर, काली मिर्च कुटी हुई। आप इनको अच्छे से भून लेंगे जब तक खूब अच्छे से तेल ऊपर ना आ जाए और मसाले अपनी खुशबू ना छोड़ दे। ऐसे कटोरी से एक कटोरी दाल ली थी तो हम इसी कटोरी से चार कटोरी पानी लगा देंगे। अब इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। अब इसको 8 सीटी आने तक पकाएंगे। 8 सीटी आने तक अब हम इसको पकाएंगे। हमारी दाल तैयार हो चुकी है। अब इसके लिए हम बनाएंगे देसी घी का तड़का। अब हम रखेंगे एक फ्राई पैन, गर्म हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे एक चम्मच देसी घी, क्योंकि देसी घी के तड़के से दाल बहुत अच्छी खुशबू आती है और बहुत अच्छी लगती है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा, दो सूखी मिर्च साबुत, कटी वाली प्याज, इसको हल्का सा भूनेंगे बिल्कुल। सुनहरी हो चुकी है, इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स। अब इसमें हम डालेंगे दाल, अब इसमें डालेंगे हरा धनिया। अब हमारी तड़का चना की दाल तैयार है। तड़का दाल तैयार है। अगर आपको आज मेरी तड़का चना की दाल की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे कल नई रेसिपी के साथ। बाय।